ये मैंने पूजा कर ली है संतोषी माता की। ये मैंने कल राबड़ी बनाई थी, वो खा रहे अच्छी है हैं। ना? ये कल का वीडियो है आधा, और आज तो मैं संतोषी माता की पूजा संतोषी सब माता की करा पूजा करा। कर ली है, ये देखिए पूजा कर ली मैंने, मैं बैठी हूँ पूजा कर रही हूँ। मैंने संतोषी माता की पूजा कर ली है, और कहते हैं कि ना स्वेटर पहन के और ऊनी कपड़े पहन के पूजा नहीं करते हैं, इसलिए बिना स्वेटर के पूजा करिए। अब ठंड लग रही है तो स्वेटर पहन लेती हूँ मैं। और ये देखिए पेपर दिया है तो ऐसे ही पड़ा है, ये देखो अनार खा लिया, ऐसे ही छोड़ दिया कचरा वचरा, अभी इनको समेटूंगी और देखती हूँ उनको वो दोनों क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? अच्छा, और ये गुड्डे गुड्डी पड़े तुम्हारे? हाँ। अच्छा दीदी कहाँ है? नहा रहा है? बंसीता तो नहा रही है आज। अच्छा चलिए मैं रसोई में देख लेती हूँ, चाय पीती हूँ। चाय पी। गुड मॉर्निंग, मीरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैंने पूजा करने के बाद में अब ये चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद में मैंने सब्जी की कटिंग कर ली। सब्जी कटिंग करी इतने में सिलेंडर वाला आ गया, तो सिलेंडर लेने के लिए जा रही हूँ। ये सिलेंडर को उठा के ले जा रही हूँ, यहाँ बाहर तक लाना पड़ता है जो। और फिर उसके बाद मैं डायरी लेके आई, और ये सिलेंडर वाला खाली सिलेंडर ले जा रहा है। उसके बाद मैं सब्जी छौंक ली आके। ये देखिए काटते सेम हैं की आलू फली और और आलू सेम की की सब्जी फली, बनाई है मैंने। और मैं उसको डाल और फिर देती उसके हूँ। बाद मैं गाय को रोटी दे देती हूँ। रोटी बना ली थी, आधी बना ली थी आधी नहीं बनाई थी। ये गाय आ गई थी तो मैं यहाँ गाय को रोटी देने आई। आज व्रत था ना तो गाय को रोटी देती हूँ मैं। उसके बाद मैं अंदर जाके देखती हूँ, देखे क्या करते हैं। अंदर जा रही थी, उसके बाद में उनका टाइम तो हो गया आने का भी। इतने में मेरे को गाड़ी की आवाज आती है तो मैं वापस पलट के आती हूँ वहां से, आधे आधे रास्ते में से ही। मेरे को लगा कि आ गए हैं, और देखो ये आ गए हैं ऑफिस से, तो गेट खोल देती हूँ। फिर मेरे को एकदम से याद आया अंदर जाने वाले थे, मैंने कहा ये सिलेंडर बाहर रखा है, आया है तो ये आप ये सिलेंडर को रख दो अंदर। और फिर उसके बाद में ये मेरी अंदर सब्जी बन रही है और रोटी गरम कर रही हूँ। ये बन तो पहले ही गई थी, और उसके पापा ने तो खा ली थी शुभम के, और ये शुभम खा रहा है। अब हम खाना पीना बर्तन वर्तन माँज मूँज के मैं ऊपर छत पे गई, सबने खाना खा लिया था। उसके बाद में मेरा तो आज व्रत था तो गेहूँ निकाल रखे थे। और ये देखो चूल्हे, चूल्हे के पास में तीन चार मटकी दिख रही होंगी आपको, ये मैंने कटवाई हैं, इनमें कुछ उगाऊंगी मैं। और यहाँ गेहूँ है, ये गेहूँ भी निकाल रखे हैं धूप में अच्छे। देखो गेहूँ निकाले मेरे, मेरे गेहूँ अब इनको साफ करूंगी। और ये देखो पेड़ पौधे, ये कितना अच्छा फूल खिला है। कितना सुंदर लग रहा है देखिए ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो कितना सुंदर फूल लग रहा है, गुलाब का कितना सुंदर फूल लग रहा है। और वहाँ गेहूँ है, और ये देखो साइकिल, ये यहीं चलाते हैं तो यहीं रख दिया। अब इनको साफ कर लेते हैं अपन गेहूँ को। चलो मैं साफ कर लेती हूँ फिर बताऊँगी आपको। ये गेहूँ को मैंने साफ कर लिया है, फिर ये कट्टे में भर लिया है, ये कट्टे में डाल रही हूँ, फिर कल पिसवा के ले आएंगे ये।
ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कट्टे में भर दिए मैंने। और अब नीचे हैं जो साफ कर लेती हूँ, नीचे भी बिखर गए हैं थोड़े से, तो झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगा के फिर नीचे जाऊंगी, फिर देखो खाने की तैयारी नहीं, यही करूंगी मैं शाम वीडियो की। एंड करती हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी। इसके चाय परांठे बन रहे हैं अब।